नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा बेहतरीन होम रेमेडी लेकर के आया हूं दोस्तों, जो आपके चेहरे के कालेपन को मिटाकर आपके चेहरे को गोरा, बेदाग और खूबसूरत बना देगा। यह नुस्खा आपके चेहरे की खोई हुई चमक को वापस लौटाएगा और चेहरे पर एक कालापन जो रहता है उसे खत्म करके आपके चेहरे को बेहद गोरा और चेहरे को निखारने के लिए यह नुस्खा आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। दोस्तों, आज जो मैं रेमेडी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, यह रेमेडी आपके चेहरे के ऊपर जमी मैल, जमी गंदगी को निकाल बाहर फेंक, आपके चेहरे को साफ करने के साथ साथ चेहरे को काफी न्यूट्रिशन देगा, काफी पोषण देगा, जिससे आपका चेहरा फेयर होगा, ब्राइट होगा। क्योंकि दोस्तों, जब चेहरे को गोरे करने की बात आती है या फिर चेहरे को साफ करने की बात आती है, तो हमें उन चीजों का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है कि हम ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जो हमारी स्किन को टोन करें, हमारी स्किन को नरिश करें, हमारी स्किन को पोषण दें, न्यूट्रिशन दें। लड़के और लड़कियां, जो लोग अपने चेहरे के ऊपर जो दाग धब्बे हैं या कालापन है उनसे परेशान है, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि आज का ये जो नुस्खा है, आप लोग इस नुस्खे को जरूर आजमाइएगा और इसकी जानकारी आपको अच्छे से मिले, इसके लिए आप इस वीडियो को एक बार अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, आजकल मार्केट भरा पड़ा है ऐसे प्रोडक्ट से, ऐसे क्रीम्स, ऐसे बहुत तरह के चीजें हैं जो ये दावा करती हैं कि वो आपके दाग धब्बों को मिटा पाएंगी या फिर आपके स्किन को फेयर कर देंगे, ब्राइट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, जब तक आप सही चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, आप लोगों को उतना फायदा नहीं मिलेगा। और आज के इस नुस्खे में मैं ऐसी चीजें लेकर के आया हूं जो सदियों से इस्तेमाल की जा रही हैं स्किन के लिए, चेहरे के लिए, और आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों को बहुत जल्दी इसका असर दिखने लगेगा। तो दोस्तों, इस नुस्खे को मैं शुरू करता हूं। इस नुस्खे में दोस्तों, आपको जो सबसे पहली चीज लेनी है वो लेनी है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आपको लगभग 1 चम्मच के आसपास आपको लेना है कच्चा दूध। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमने कच्चा दूध ले लिया, आपको घर पर आसानी से मिल जाएगा। लड़के लड़कियां, हर एक कोई से मैं कहना चाहता हूं कि अपने चेहरे पर एक गोरापन लाना चाहते हैं, खूबसूरती लाना चाहते हैं, तो आज के इस नुस्खे को अंतिम तक देखिएगा। यहां पर हमने कच्चा दूध ले लिया। अब दोस्तों, जो हम इस नुस्खे में अगली चीज लेंगे वो आपको लेनी है दोस्तों, लगभग इतनी मात्रा, बस इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। आपको इतनी मात्रा लेनी है हल्दी की, ठीक है, टर्मरिक। टर्मरिक हमारी स्किन को साफ करता है, कालेपन को खत्म करता है, दाग धब्बों को मिटाता है, कील मुहासों को भी खत्म करता है। क्योंकि टर्मरिक नहीं सिर्फ सौंदर्य को बढ़ाने के काम आता है, बल्कि इसके अंदर औषधीय गुण भी पाए जाते हैं जो हमारे स्किन को काफी हेल्प करता है दाग धब्बों से और पिंपल से बचने में। यहां पर दोस्तों हमने ये दूसरी चीज ले ली। इसके बाद दोस्तों, जो आपको इसमें अगली चीज लेनी है वो भी आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएगी, और ये चीज बहुत ही उपयोगी होती है, बहुत ही आसानी से मिल जाती है और एक बहुत बेहतरीन औषधि है ये अपने आप में। लगभग इतनी मात्रा आपको लेनी है एलोवेरा जेल। ठीक है दोस्तों, एलोवेरा जेल आपने ले लिया। स्किन को टोन करता है एलोवेरा, स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने के लिए यह बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। इसके बाद हम इनको आपस में इस तरीके से मिक्स करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यह नुस्खा हर एक स्किन टाइप वाले इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं, सबको फायदा होगा। अगली चीज
इस नुस्खे में हमें लेनी है दोस्तों ये विटामिन ई, 400 का एक कैप्सूल आप लीजिएगा और विटामिन ई आप इसमें मिक्स करेंगे, एक कैप्सूल ही काफी है। विटामिन ई स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन को नरिश करता है, डेड सेल्स को रिमूव करता है, पोर्स में जाकर स्किन को काफी न्यूट्रिशन देता है और स्किन को सॉफ्ट बनाने में, ग्लोइंग बनाने में अंदर से विटामिन ई बहुत ही काम आता है। ये हमने यहां पर मिक्स कर दिया। इसके बाद हम एक और चीज इस नुस्खे में मिलाएंगे जो इस नुस्खे को और भी बेहतरीन बना देगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग थक चुके हैं बहुत तरह के उपाय कर करके तो इस नुस्खे को आप लोग जरूर आजमाइएगा। इसे कैसे लगाना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप अपने चेहरे की, अपने स्किन की कालेपन को दूर कर पाएंगे, दाग धब्बों को मिटा पाएंगे और अपने चेहरे पर एक गोरापन वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से ला पाएंगे। इसे कैसे लगाना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा तो वीडियो में आप लोग बने रहें। इसके बाद दोस्तों हम इसमें अगली चीज लेंगे, इतनी सी लेनी है, ये क्रीम है दोस्तों, ये आपका हो गया नरिशिंग क्रीम। बहुत सारी कंपनियां नरिशिंग क्रीम बनाती हैं, आप किसी भी अच्छी ब्रांड की कंपनी का एक नरिशिंग क्रीम ले लें, एक बढ़िया नरिशिंग क्रीम आप लें और उसे लेकर के आप इसमें इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर दें। अब मैं बताता हूं दोस्तों आपको इसे कैसे अपने स्किन पर, अपने चेहरे पर इसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आप क्या कीजिएगा कि आप एक कॉटन ले लीजिएगा, आप कॉटन लेके एक कॉटन की मदद से इसमें डुबो डुबो कर उस कॉटन को आप पूरे अच्छे से डुबो डुबो कर इसे अपने पूरे स्किन पर, ठीक है, अपने पूरे स्किन पर आप लोग इसे एक लेप की तरह लगाइएगा। पहले हल्के हाथों से थोड़ा मसाज कीजिएगा, आंखों के नीचे काले घेरे हैं वहां पर भी अच्छे से लगाइएगा और इसे एक थोड़ी सी लेयर बना करके आप अपने स्किन पर, एक हल्की सी लेयर बना करके आप अपने स्किन पर, अपने चेहरे पर इसे इस तरह लगा करके 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक आप छोड़ सकते हैं। जब ये आधे घंटे के बाद आप इसे धो लें, हर दिन इसका प्रयोग करें दोस्तों, आप पाएंगे कि यह जो नुस्खा है, यह जो रेमेडी है आप लोगों के बहुत काम आएगा और बहुत, ये बहुत महंगा भी नहीं है, आप आसानी से, सब सारी घरेलू चीजें हैं, नेचुरल चीजें हैं, आप इसे बना करके इसे इस्तेमाल करें, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से और सबसे इम्पोर्टेंट बिल्कुल सेफ और सुरक्षित तरीके से आप अपने चेहरे के दाग धब्बों को दूर करके अपने चेहरे को गोरा